तो मैंगो जेट का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? हाँ, इसमें स्पेशली जो हरीम फारूक और फैसल कुरैशी का मैंने एक गाना किया है, दोनों ही फैसल साहब के साथ तो बहुत काम किया, लेकिन हरीम फारूक के साथ मैंने पहली बार काम किया। शी इज़ वंडरफुल एक्ट्रेस और वेरी कोऑपरेटिव और वेरी ब्यूटीफुल वूमन, और उनके साथ काम करके बड़ा मज़ा आया। स्पेशली अबू अलैया के साथ काम करके बड़ा मज़ा आया। उन्होंने जो एक डायरेक्टर को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, कोरियोग्राफर को, वो सब अपॉर्चुनिटीज़ मुझे उन्होंने दी, और जो चीज़ें एक कोरियोग्राफर को चाहिए होती हैं उनकी डिमांड के हिसाब से फिल्म की, तो वो उन्होंने प्रोवाइड की। आई होप सो कि वो गाना अच्छा होगा इंशाल्लाह। पप्पू जी, 90s में जब बॉलीवुड की फिल्म्स काफ़ी पीक पे थी और रीमा वगैरह सब थे, मूवी के साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ सॉन्ग्स बहुत हिट होते थे, सॉन्ग्स बहुत हिट होते थे उस टाइम पे, डांस नंबर सब कुछ। आपको लग रहा है कि मैंगो जेट में कोई सॉन्ग ऐसा दोबारा हिट होने वाला है, कोई डांस नंबर ऐसा? देखिए, अभी मैंने एक गाना किया है, वो गाना देखिए, मैं अपने काम को अच्छा कहूँ तो अजीब सा लगेगा, लेकिन आप अगर वो गाना सुनेंगे तो यकीनन वो गाना हिट होगा इंशाल्लाह। और ये म्यूज़िक पे बड़ा जोर दे रहे हैं, म्यूज़िक पे वर्क कर रहे हैं काफ़ी सारा, तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि जो मेहनत करते हैं उनकी मेहनत रायगा नहीं जाती, अल्लाह ताला तो बड़ा मेहरबान है, इंशाल्लाह बेहतर होगा। थैंक यू।